स्मृति नगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत रहने वाले युवक को कुछ लोगों द्वारा गोवा में बंधक बनाकर परिजनों से 10 लाख रुपए की फिरौती की मांग की जा रही थी। पुलिस को सूचना मिलते ही पुलिस तत्काल कार्रवाई करते हुए बंधक बनाए गए युवक को गोवा से बरामद कर लिया। ऑनलाइन सट्टे का काम करने के लिए किए गए इस युवक को नुकसान की भरपाई के लिए ही बंधक बनाया गया था। मुख्य आरोपी के अलावा ऑनलाइन सट्टे के कारोबार में लिप्त 6 अन्य आरोपियों को भी दुर्ग पुलिस ने गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। मामले की जानकारी दुर्ग पुलिस अधीक्षक शलभ सिन्हा ने पत्रकार वार्ता के दौरान मीडिया को दी है। महादेव ऐप के मामले में हम लोगों को एक सूचना मिली थी कि सुयश ताम्रकार नाम के व्यक्ति को बंधक बना करके गोवा में रखा गया है। वो पैनल चला रहा था, पैनल में काम कर रहा था और जब उसने पैनल छोड़ करके जाने की इच्छा जाहिर की तो पैनल का जो नुकसान हुआ है 10 लाख रुपए का, वो भरपाई करने की शर्त उसको छोड़ने की बात कही गई थी। सूचना मिलने पर टीम हमारी वहाँ पहुँची थी, गोवा पहुँची थी और गोवा पहुँच करके उसको भी मुक्त कराया गया। साथ साथ वहीं पर एक और पैनल का भी हमको की सूचना मिली थी, तो उस पैनल को भी हमने ध्वस्त किया है और वहाँ से 6 आरोपियों को लेकर के आए हैं। और जो बंधक बनाया गया था सुयश ताम्रकार को, तो उसमें मेन जो माटू सूर्यवंशी जिसका ये पैनल भी चलता था उसको भी हम लोगों ने गिरफ्तार किया है और सभी को ऑनलाइन गैम्बलिंग एक्ट के तहत न्यायिक रिमांड में भेजा जा रहा है।